हेलो वेलकम फ्रेंड्स, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आइए आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ ऐसी ट्रिक ऐसे फैक्ट्स की जिन्हें सीख कर आप अपना अपने फ्रेंड्स में अपनी कंपनी में बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं, अपनी नॉलेज डेवलप कर सकते हैं। जानिए पहली दो ट्रिक तो MS Word से रिलेटेड हैं, बाकी की थ्री ट्रिक रहेंगी फोल्डर से रिलेटेड। देखते हैं वन बाई वन। क्या मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन कि आप प्लस माइनस से टेबल क्रिएट कर सकते हैं MS Word में? आपका क्वेश्चन होगा आई थिंक नहीं, ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन इट इज़ पॉसिबल, यू कैन डू इट। आइए सीखिए पहले, अब आप करिए। अगर आप सिस्टम पर बैठे हैं इस समय तो आप मेरे साथ करके देखिए, आप भी कर सकेंगे। प्लस टाइप करेंगे पहले, फिर माइनस टाइप करेंगे, फिर प्लस टाइप करेंगे, फिर माइनस टाइप करेंगे, फिर प्लस टाइप करेंगे, फिर माइनस टाइप करेंगे, फिर प्लस टाइप करेंगे, एंटर कर देंगे। हमारी टेबल क्रिएट है वन रो थ्री कॉलम के साथ। अब हमें रो बढ़ानी है, इंक्रीज करनी है, तो हम टैब प्रेस करते रहेंगे, हमारी रो बढ़ती रहेंगी, इंक्रीज होती रहेंगी। ठीक है, देखिए कुछ ही सेकंडों में हमने एक टेबल क्रिएट कर ली है। हम इसे कितने भी रो कितने भी कॉलम की टेबल क्रिएट कर सकते हैं ऐसे। आई होप आप सभी सीख गए होंगे और आपकी नॉलेज डेवलप हो गई होगी। अब आप ऐसा करके अपने फ्रेंड्स में, अपनी कंपनी में, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बॉस के सामने अपना इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी ट्रिक भी हम आपको ऐसी बताएंगे जो कि बहुत ही अमेजिंग होगी, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। देखिए उसे। इक्वल टू टाइप करेंगे, RA and D लिखेंगे। इससे पहले मैं ये करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। यदि मैं आपसे कहूँ कि आप 10 सेकंड में, 5 सेकंड में 1000 वर्ड्स टाइप करके दिखाइए MS Word में, आप कहेंगे ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे हो जाएगा, क्या आप पागल बना रहे हो सर, आप भी क्या क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टाइप नहीं कर सकते इतने वर्ड, तो स्पीड किसी कर ही नहीं सकती, लेकिन इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है। आइए जानिए कैसे। इजल टू लिखिए, RA and D लिखिए, कॉल ब्रैकेट ओपन कीजिए और यहाँ पर जितनी आपको पैराग्राफ चाहिए उतने लिखिए, फिर जितने सेंटेंस चाहिए वो लिखिए, टाइप कीजिए मीन्स, और ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर दे दीजिए और देख लीजिए कितने सेकंड लगे हमें और कितने वर्ड्स टाइप हो गए हमारे। है अमेजिंग कितने वर्ड्स टाइप हुए हमारे, 4108, 4108। कितने सेकंड लगे होंगे हमें से, 5 या 10 सेकंड, क्योंकि मैं आपको समझा के बता के कर रहा हूँ, और आप करेंगे तो 2 से 3 सेकंड में भी आप इसे कर सकते हैं। और इतने ही नहीं, आप इसमें 10,000 वर्ड भी टाइप कर सकते हैं। देखिए दोबारा देखिए, सीखिए समझिए अच्छे से, जैसे आप खुद भी कर सकें। इज इक्वल टू टाइप कीजिए, ठीक है, RA and D टाइप कीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, यहाँ पे जितने भी आपको पैराग्राफ चाहिए उतने लिखिए, जैसे हमें 25 हमें 30 सेंटेंस चाहिए सभी में, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और देखिए हमने क्या टाइप किया है। आपको हो सकता है नहीं दिख रहा हो छोटे में, बड़े में देखिए ये टाइप किया है हमने यहाँ पे। इसके बाद हमें एंटर टाइप करना होता है। देखिए
है ना दोस्तों, अमेजिंग ट्रिक, आप इसे ज़रूर फॉलो करके देखिए, देखिएगा, ट्राई करके देखिएगा खुद से, ठीक है। इतने वर्ड हो गए हैं कि एमएस वर्ड जितनी जल्दी हमने टाइप कर दिया उतनी जल्दी काउंट भी नहीं कर पा रहा है। देखिए अभी तक काउंट नहीं कर पाया, 26 पेज फिल हो गए हैं यहाँ पे हमारे, और वर्ड आप देख लीजिए कितने हैं, 15,408, 15,000। हाउ इट्स अमेजिंग। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आए, अच्छी लगे, आपने भी पहली बार ये सुना हो, देखा हो, और आप करके देखना, अगर आपको सही लगे, वैलिड लगे, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक करके हमारा प्रोत्साहन कीजिएगा, ताकि हम ऐसी वीडियो और देते रहें, आपकी नॉलेज डेवलप करते रहें। अच्छा, अब आते हैं हम फोल्डर पे। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप बिना नाम का कोई फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, आप कहेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते। आपने बहुत बार करके ट्राई भी किया होगा, आई थिंक कुछ होने जिनको नई नई चीज़ें करने का शौक होगा, और लेकिन वो कभी कर नहीं पाए होंगे, लेकिन अब आप कर सकते हैं ऐसा भी। देखिए, जब भी आप बिना नाम के फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं, आप नाम हटाकर कुछ भी खाली करके उसे एंटर देते हैं, तो अपने आप से न्यू फोल्डर के नाम से क्रिएट हो जाता है ना, ऐसा आपने भी किया होगा जरूर। अगर फिर आप कहते हैं कि नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि स्पेस दे दीजिए, मैंने यहाँ पे स्पेस भी दिया, आपने भी दिया होगा, आप ट्राई करना, स्पेस दे के ट्राई कर लेना, न्यू फोल्डर के नाम से किससे हो जाएगा वो तब भी। लेकिन अब हम आपको जो ट्रिक बता रहे हैं उससे आप कर सकेंगे। ट्रिक ये है कि आपको ऑल्ट के साथ 0160 प्रेस करना है, एंटर दे देना है। देखिए कहीं है इसका नाम, बिना नाम के फोल्डर सेव हो गया है ना जी। पहली ट्रिक हो गई, आपको मैं दिखा देता हूँ, नोट कर लीजिए क्या टाइप करना है। ऑल्ट क्लास 0160, इसे कॉपी कर लेना, लिख लेना, नोट कर लेना, यही टाइप करना होता है हमें, ठीक है। ये होता क्या है दरअसल, अगर आप हिंदी टाइपिंग करते होंगे तो जानते होंगे, ये स्पेस के लिए हम यूज करते हैं, ये कोड होता है स्पेस के लिए, ठीक है। अगर आपने हिंदी टाइपिंग सीखी है तो आपको ज़रूर पढ़ा होगा, ये नहीं पढ़ा है तो उसके लिए भी आप नोट कर लेना, जब हमें स्पेस देना होता कहीं पे तो हम ये कोड अप्लाई करते हैं, ओके। अगर अब मैं आपसे कहूँ कि ये फोल्डर आप छुपा दीजिए, और ये फोल्डर मतलब हाइड नहीं करना है, हाइड करके नहीं छुपाना, ये फोल्डर रहना भी यहीं चाहिए सामने, और किसी को दिखना भी नहीं चाहिए, तो कहेंगे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है। देखिए कैसे हो सकता है ऐसा, प्रॉपर्टी पर जाएंगे, प्रॉपर्टी पर जाने के बाद कस्टमाइज में जाएंगे, कस्टमाइज में जाने के बाद चेंज आइकन पर क्लिक करेंगे, चेंज आइकन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आइकन देखेंगे। देखिए यहाँ पे आप 3 आइकन देख रहे होंगे जो कि ब्लैंक हैं, हम बीच वाला ले लेते हैं अभी, और ओके कर देंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। कहाँ गया हमारा फोल्डर, है कि दिखाई दे रहा है आपको कहीं पर, लेकिन फोल्डर यहीं पर है। जब हम अपने माउस का कर्सर ले जाएंगे तो हमें फोल्डर का एडजस्ट दिखाई देगा, सो हुआ वहाँ पे कि यहाँ पे कुछ है, फोल्डर है, हटा देंगे तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ओके। है बेहतरीन ट्रिक, आप इससे अपने फ्रेंड्स को पागल बना सकते हैं, उन्हें अचंभे में डाल सकते हैं, है ना। देखिए अब ऐसी एक और ट्रिक है फोल्डर के नाम से, यदि मैं आपसे कहूँ कि आप कौन के नाम से फोल्डर क्रिएट कीजिए, CON कौन, मैं क्या, कोई भी कहे आपसे, कोई कहे कहीं पे कंपनी में कहे, या कहीं पे कोई आपका फ्रेंड बोले कभी कि कौन के नाम से फोल्डर बनाना, आप कह देना बन ही नहीं सकता, क्यों बनता ही नहीं है सच में। देखिए द स्पेसिफिक डिवाइस नेम इज इनवैलिड, इनवैलिड बताएगा हमेशा, यहाँ पे बनेगा ही नहीं, बनता ही नहीं है इस नाम से, ओके। ऐसे ही CON1 नहीं बनता इस नाम से भी, ऐसे ही CON2
नहीं बनता। ऐसे ही COM5 नहीं बनता। कहाँ तक नहीं बनता, क्या बनता क्या नहीं बनता वो भी बताऊंगा मैं अभी आपको। COM9 तक जब तक आप टाइप करेंगे जब तक नहीं बनेगा, 1 से लेकर 9 तक। जैसे ही अगर आप COM10 प्रेस करेंगे तो बन जाएगा, 10 से ऊपर कुछ भी आप बनाइए बन जाएगा, 10, 11, 12, 13, 14, 15 सब बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही मैं आपसे कहूँ LPT1 के नाम से बनाइए, तो LPT1 के नाम से भी नहीं बनता। LPT1 नहीं बनेगा, वही आएगा। ऐसे LPT5 यानी 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी नहीं बनेगा, 9 तक नहीं बनेगा, देख लीजिए। LPT9 नहीं बनेगा। और ये भी जैसे कॉम का बन गया, कहाँ से बना था ध्यान है, भूल गए इतनी जल्दी, नहीं भूले होंगे, 10 से बना था, ये भी बन जाएगा 10 से आगे ये भी बन जाएगा सभी का, ठीक है। तो आज की हमारी यही ट्रिक थी, ठीक है। आपको आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी होंगी, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वायरल कीजिए, आग लगा दीजिए बिल्कुल, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, और नई नई चीज़ें हमारे साथ ऐसी नई नई ट्रिक, अमेजिंग ट्रिक सीखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।